ओके मैम। तो आपने एडम्स, होमवर्क दिया था? हाँ भाई दिया था, मैं कहा भूल गई। तो एडम्स फॉजी देखी थी मैंने, कॉमेडी थी और फिक्शनल थी, अच्छी थी, मजा आया, एक्टिंग बहुत अच्छी थी उसमें। तुम्हें वो पता है हल्क? यो मैम, ओ, वो उस एडम के फादर का रोल करता है, अच्छा था वो। एनीवेज, हब और सीरियल नहीं देखते? हप्पू के उल्टन पलटन वाला, नो मैम, मैं सीरियल कौन देखता? मतलब कॉमेडी सीरियल्स है, छोटे छोटे एपिसोड्स आते हैं इसके, कंटिन्यू स्टोरी नहीं नो चलती। मैम, नहीं देखता? कोई बात नहीं, मैं तो देखती हूँ, वो मुझे पसंद है। चल आइए। तारक मेहता देखा उल्टा चश्मा देखना खूब। है मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, यार टेंशन की ले रही है, सब देखा है। चल भाई ये बताओ, होमवर्क में क्या दिया था? कुछ सवाल थे एनसीईआरटी एनसीआरटी क्वेश्चंस थे, एनसीआर क्वेश्चन, जाओ पहले क्वेश्चंस। एनसीआर। क्या हो गया, नया इन्वेंशन करा तूने? है तुम ही तो जो कह रहे थे एनसीआरटी मत पढ़ाना, हम खुद पढ़ लेंगे, तुम ही थे क्या वो? यो मैम, यो मैम, ठीक है ठीक है, ये खत्म कर लेते हैं, उसके बाद से तुम मुझसे पढ़ लेना। बताओ ये वाला क्वेश्चन था, हाउ कैन यू थिंक टेपिटल्स कुड हैव बिकम बायन्यूक्लिएटेड, क्या आंसर है इसका? यही सेल, ये मैंने एक क्वेश्चन साथ था। बोले या अलग अलग बोले? यो हैंड रेस कर दो, दैट यो मैम, वुड बी इजी। ओके शीतल बताओ, शीतल। मैम दीज सेल्स यूज्ड इन डेवलपमेंट। मैम एक मिनट, दीज सेल आर यूज्ड इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ग्रेन। Once mitosis occur, the nucleus divide, but cytokinesis does not take place. यस, तो क्वेश्चन सिंपली ये बोल रहा था, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल कुड बिकम बाय न्यूक्लियर। तो वो तुझसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा था कि इसमें कैरियोकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस नहीं होती, तो उसमें वो न्यूट्रिशन के लिए यूज होते हैं ये तो पूछा नहीं ना, तो पहली वाली लाइन का कोई यूज नहीं था यहाँ पे। ओके समझ आया? हाँ आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वुड बी द पोलैरिटी ऑफ द सेल्स इन द टेट्राड? हर्ष, एम हैप्लॉइड एन, एन, दैट इज हैप्लॉइड। यस, टेट्राड्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे सारे सेल्स, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, आई थिंक एक और क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? व्हाई डू यू थिंक द एग्जाम शुड बी हार्ड? हाँ ये रहा यहाँ पर होगा। हाँ सात्विक बताओ भाई, व्हाई डू यू थिंक द एग्जाम शुड बी हार्ड? अच्छा हर्ष तुम बताओ। एम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पोलन ग्रीन, यस, टू प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन, बाहर के हार्श एनवायरनमेंट से इसलिए इसका स्ट्रक्चर हार्ड होता है, वेरी गुड, गुड गुड, शाबाश, यहाँ तक कर लिया था ना हमने। चलो और कोई क्वेश्चन था मैम फंक्शन ऑफ मैम, उसी के साथ एक कॉम्पोर। और क्वेश्चन है। वो था उसके साथ, फंक्शन ऑफ कॉम्पोर। ओके जंप पोल। ओके सात्विक बताओ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जंप पोल? यस मैम, द फंक्शन ऑफ द जर्म फोर इज बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब। यस, इट्स फंक्शन इज टू हेल्प इन फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ ऑफ पॉलन पॉलन ग्रेन, ट्यूब इन टाइम। वेरी गुड गुड, शाबाश। तो शीतल, हर्ष और सात्विक ने होमवर्क किया था बस, है हाथ नीचे कर लो तीन, आखियों ने नहीं एक्चुअली कल करा। मेरा फोन खराब हो गया था तो मैम क्लास नहीं लगा पाई। ओके और कोई, एनीवन एल्स, और क्वेश्चन था कोई? नो मैम, नहीं था ये, है ना? ठीक है, आ जो अटेंडेंस एंड में लगाती हूँ मैं, हम आगे आगे। तो मैं अब तुमको थोड़े से पॉइंट्स करा देती हूँ एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्री होने की, क्योंकि संडे को तुम्हारा टेस्ट है, तो कल मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगी। बताओ जो मैंने बुक भेजी थी कितने क्वेश्चंस करे, कहाँ पहुंची, कितने मैम अभी स्टार्ट करी थे करने, स्टार्टिंग करे? बाकी के कुछ ही करे थे, 20। बच्चे, मैम 70। बाकी बच्चे करे ही मैम नहीं। कौन सी बुक जो पहले भेजी थी? हाँ पी बाई क्यूज की बुक ना, करे नहीं क्वेश्चन, कितने यस मैम किए थे, मैम करे? 40-50 तक कर लिए थे। 42 50 तक। बाकी बच्चे जो बचे हैं? हम 32 किए थे। नो, 32 किए थे। ओके और
40 किए थे मैम, 40 करे थे, ऑल राइट, इशारे 50। ने करे, ओके 50 के करीब करे बाकी लोग, ओके वरुण 15 to 40, 15 to 40 में काफी गैप है, 40-45 समझ आता है मुझे, जानवी जगुन वंशिका। अच्छा देखो ऐसा है कि कल मैं क्वेश्चन कराऊंगी, अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे हैं ठीक है, मुझे ये नहीं पता सच कौन बोल रहा है झूठ, आई होप सच बोल रहे हो, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे हैं मैं कल कल क्लास में क्वेश्चन दिखाऊंगी, मैं डिस्कस कर लूंगी, तुम्हें क्वेश्चन तो समझ आ जाएगा लेकिन तुमसे कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि वैसे क्वेश्चन कभी तो सॉल्व क्यों नहीं हो पाएंगे, रीजन बिंग तुमने खुद से प्रैक्टिस नहीं करे थे ना, अब तुम जब भी सॉल्व करने जाओगे आंसर तुमको याद आ जाएगा है, और खुद से सॉल्व तुमसे हो नहीं रहा है वो, तो तुम बीच में फंस जाओगे, इसलिए क्वेश्चंस करके आना कल, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है समझ आई, मैम तो कल क्वेश्चन करके आना, क्योंकि संडे के पेपर में जितनी मर्जी थ्योरी कर लो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता थ्योरी, इट्स अ फैक्ट, क्वेश्चन लगाना आर्ट है, हर किसी को नहीं आती, पढ़ते तो सारे ही हैं फिर भी सबका नीट क्यों नहीं क्वालिफाई होता, बहुत सारी चीजें होती है, एनसीईआरटी रिव्यू करने नहीं आती उन्हें ठीक है, या फिर उन्हें एग्जाम्पल्स याद नहीं रहते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं उनको याद नहीं रहता एनसीईआरटी में क्या लिखा था, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हमें पता चलता है कि हमें क्वेश्चन को कैसे करना है, ये एक टेक्निक है जो आप धीरे धीरे सीखते हो, तो अगर आप नहीं करोगे तो आपका नुकसान होगा, इसलिए याद से करके आना प्रैक्टिस, ताकि मैं तुम्हें पढ़ा सकूँ, ऑल राइट। यो मैम अब देखो तुम्हें अगर याद होगा कैसे हम ओव्यूल बनाते थे ना पूरा, यो मैम तो ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन करता है, डबल ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल, याद है फर्टिलाइजेशन यो मैम करके के बाद क्या बनता है, सीड बन जाता यो मैम है ना, तो मैच्योर ओव्यूल इसको हम बोल देते हैं सीड, ठीक है, मैच्योर सीड इज बेसिकली नथिंग बट मैच्योर ओव्यूल ही तो हुआ, एक ही बात है, तो इसको हम सीड बोलते हैं, अब जो सीड के बाहर वॉल लगी हुई थी जिसको इंटेग्यूमेंट्स कहते थे, वो किसमें चेंज हो जाता है, इंटेग्यूमेंट्स आर नाउ कॉल्ड, बेटे ये सीड है ना, तो सीड के बाहर इंटेग्यूमेंट्स, अच्छा सीड के बाहर जो इंटेग्यूमेंट्स लगे थे, ओव्यूल के बाहर जो इंटेग्यूमेंट्स लगे थे वो कहाँ पर एब्सेंट होते थे, माइक्रोपाइलेट, हाँ तो ये इंटेग्यूमेंट्स किसमें चेंज हो जाते हैं, अगर ये सीड है तो सीड के बाहर क्या होता है, सीड फ्रूट, कोट, सीड कोट क्या हो गया, फ्रूट तो ओवरी चेंज होती है ना, क्या हो गया भाई, वॉल्स ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स, और इंटेग्यूमेंट्स मॉडिफाई होके सीड कोट बना देते हैं, अब क्लियर है, ये मैम माइक्रोपाइलेरेंट अभी भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, छोटा सा छेद अभी भी होता है, क्योंकि कोई भी सीड जर्मिनेट कब होता है, जब उसको पानी मिलता है, वो पानी सीड के अंदर घुसता कहाँ से, इस माइक्रोपाइलेरेंट से ही घुसता है, और जो भी सीड होते हैं वो ड्राई होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें से वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है अबाउट सीड, समझ आया, अब एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं डोरमेंसी, डोरमेंसी का एक तरह से मतलब होता है टाइम पीरियड ऑफ सोना, सोते हो ना तुम, कितने घंटे सोते हो, 7 to 8 hours, 7 to 8 hours मैम, 7 to 8 hours ढंग से सोते हो, यो मैम ये तुम इम्प्रेशन मारने की कोशिश कर रहे हो मेरे साथ, ये गैर मैम सच में मैम बोल रहे, कितने बजे सोते हैं, 11:30, और कितने बजे उठते हैं, 7 या 7:30, अच्छा सच में सोते हो 7 से 9 घंटे, 7 से 8 घंटे, दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू हियर, इतने डिसिप्लिन हो, अच्छा ये कमाल की बात थी, तो भाई सीड भी सोता है, तो देखो ये सीड बन गया मेरा, अब सीड ने क्या करना है, सीड ने एक टाइम आएगा जब वो किसमें चेंज हो जाएगा, प्लांट में चेंज होगा, तो जब भी वो प्लांट में चेंज होने के लिए स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो रूट बनाता है फिर वो शूट बनाता है, तो जब वो ऐसा करता है हम कहते हैं कि सीड अब जर्मिनेट हो रहा है, तो सीड जर्मिनेट होगा, ठीक है जर्मिनेशन होगी उसमें, अब सीड बनना और सीड का जर्मिनेट होना इसके बीच में जितना भी टाइम पीरियड होता है ना, ये 1 दिन भी हो सकता है, ये 1000 सालों से 1 दिन भी हो सकता है, और ये 100 दिन भी हो सकते हैं, कितना भी समय हो सकता है, दिन में कह लो या टाइम में कह लो, कितने मर्जी आवर्स हो लो, तो इन्हें हम कहते हैं इट इज अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब होता है वो समय जब सीड सोने वाली स्टेज में है, तो अभी वो जर्मिनेट नहीं हुआ, जैसे ही डोरमेंसी एंड होती है सीड जर्मिनेट हो जाता है, क्लियर, तो जब तुम सोते हो तो तुम्हारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो मैम लेकिन स्लो हो जाते हैं ना,
तो जब सीड्स होता है ना, तो देखो ये लिखा है ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन या तो स्टॉप हो जाते हैं, स्टॉप कह सकते हो, लेकिन बेसिकली जो होता है उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन स्लो हो जाते हैं. तो जब सीड डोरमेंसी में होता है उसके मेटाबॉलिक रिएक्शन इतने स्लो हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट बंद हो गया. तो डोरमेंसी क्या होता है, इट इज अ स्टेट, ये एक तरह की स्थिति है या फिर समय है जब मैच्योरेशन ऑफ द सीड एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड के बीच में, कि सीड मैच्योर हो गया और अब उसको जर्मिनेट होना है, उसके बीच का समय डोरमेंसी कहलाता है. क्लियर? क्वेश्चन ऐसा आता है एंड ऑफ डोरमेंसी ऑफ सीड में क्या होगा, तो एंड ऑफ डोरमेंसी होगी जब, तब सीड क्या करेगा, बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे चले. जिंदगी के तीन सर्कल याद है, सबसे बाहर वाला क्या कहते थे हम, ओवरी, ओवरी, उसके अंदर वाले को ओव्यूल, और उसके अंदर वाले को एग, एग, एग. चलो जायगोट कर लेते हैं अब हम इसको फॉर अ टाइम बीइंग. एग ही जायगोट में चेंज होता है. ओवरी इन फ्यूचर, इन फ्यूचर क्या बनाएगी, फ्रूट, और फ्रूट के अंदर हमें बीज मिलते हैं, तो ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड, सीड, और जायगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो. डेवलपमेंट पढ़ ली है कि ग्लोबुलर बनता है फिर हार्ट शेप बनता है, तुमने सीड डेवलपमेंट पढ़ ली है कि सीड डेवलपमेंट पेन पेन डेवलप होता है, हम सब कुछ बच्चा फ्रूट फ्रूट पे फोकस करते हैं. तो ओवरी की जो वॉल होती है ना, वॉल ऑफ ओवरी, उसको हम बुलाते हैं पेरिकार्प. ठीक है जी, तो वॉल ऑफ ओवरी है जो मेच्योर होके आपको फ्रूट में चेंज होती दिखाई देगी. ओके, और देखो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं जो ओव्यूल के, वो चेंज हो जाते हैं सीड कोट में. तो यहाँ पे दोनों लाइनें लिखे, इसको एक बार लिख लो, तो मैं तुमको एक मस्ती चीज बताती हूँ. देन मैं ठीक. अब देखो जैसे लोग दो तरीके के होते हैं ना, एक होते सच्चे लोग सत्यवादी और एक होते झूठे लोग झूठवादी, है ना, हर बात तो झूठ बोलते हैं, एक होते हर बात पे सच बोल देते हैं. तो सच्चे लोग झूठे लोग होते हैं, वैसे फ्रूट्स भी सच्चे भी होते हैं और झूठे भी होते हैं. तो देखो अगर ओवरी मॉडिफाई होके फ्रूट बनाती है, यही बात पता है ना हमें तो, राइट? यस मैम. फ्रूट ऐसे ही बना है, जोन सा फ्रूट ऐसे बना है कि ओवरी, सिर्फ ओवरी ने मॉडिफाई होके फ्रूट बनाया, उन फ्रूट्स को मैं बोलूंगी कि तुम हो सच्चे फ्रूट, यानी ट्रू फ्रूट्स. तो ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं जिसमें सिर्फ ओवरी मॉडिफाई होके फ्रूट बनाती है. ओके, only ovary modify and form fruit. तो झूठे फ्रूट कौन से होते हैं बेटा, झूठे फ्रूट वो वाले फ्रूट होते हैं जिसमें ओवरी के अलावा प्लांट का और कोई, फूल का और कोई पार्ट भी इन्वॉल्व, हाँ कोई भी पार्ट हो सकता है, तो वो इन्वॉल्व हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं झूठा फ्रूट है. तो फॉर एग्जाम्पल थैलेमस एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा पेटल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके अलावा सेपल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अब एक फूल किसके ऊपर रेस्ट करता है, इस बेस को क्या बोलते थे, थैलेमस के ऊपर ये पड़ा मेरा फीमेल पार्ट, ये ओवरी पड़ी है. ठीक है, कायदे से ओवरी ने बनाना था हमारा फ्रूट, लेकिन फॉर सम रीजन बेटा कुछ प्लांट्स में ये ओवरी अंदर चली गई, फंस गई थोड़ी इसके अंदर. ठीक है, ओवरी थोड़ा अंदर चलेगी, अब इसके जो ओवरी के सेल्स थे उन्होंने मॉडिफाई करके फ्रूट बनाने लग गए, लेकिन वो ना थैलेमस की वॉल के बहुत अंदर आ गए, तो कुछ थैलेमस के सेल भी निकाल लेते हैं और उसके साथ फ्रूट बना लेते हैं. तो इस केस में जो फ्रूट बना, उस फ्रूट वो किसकी मॉडिफिकेशन से बना, ओवरी प्लस थैलेमस, यानी कि मिक्सिंग होगी ना, जैसे ही मिक्सिंग हुई उसी टाइम इस फ्रूट को मैं क्या उगाऊंगी, झूठा, फॉल्स फ्रूट. तो फॉल्स फ्रूट कैसे बनता है, ओवरी प्लस अदर फ्लोरल प्लांट, अदर फ्लोरल प्लांट बेटा, सिर्फ थैलेमस नहीं होता, सेपल्स भी यूज होता है किसी किसी में, समझ आई? थैलेमस नहीं टिक करके आना यार, एप्पल के केस में सिर्फ थैलेमस हो रहा है, इसलिए तुमने कॉमनली सुन लिया होगा कहीं पे. चलो डन. अब देखो मान लेते हैं हम तुम लोग जा रहे हो पेपर देने, ठीक है, यू गोइंग फॉर योर एग्जाम, बनाते हैं छोटा सा. तो अब सर्दियों का समय है, तो सर्दियों का समय है और तुम लोग पेपर देने जा रहे हो, तो तुमने एक पोटली बांध ली, इसको बना दे हम, ये कौन है, ये कंधे पे पोटली उठा रखी है इसने,
ठीक है, अब तुम खुद ही हिसाब लगा लेना। फिर बस पोटली उठा के आगे जा रहे हैं जो भी है तुम में से। सही, ठीक है। तो इसने मत पोटली से उठा रखी है, ये स्टिक के ऊपर यहाँ पोटली लटका रखी है। तो इसने कहा खाने का इंतजाम कर देता हूँ। तो खाने में इसने क्या डाला, बोला मैं हिमाचल से होकर जा रहा हूँ, चलो इसमें मैं डाल देता हूँ ये जो पोटली है। पोटली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोरी को? बैग, बोरी को सैक। ठीक है, जो बोरी होती है ना, आटे की बोरी होती है, उसको सैक बोलते हैं, SAC। ओके, तो तूने रस्ते में सोचा हर्षी, अपना हर्षी है, फिर हर्ष ने खुद को वॉलेंटियर किया है जबरदस्ती। ठीक है जी, तो हर्ष ने कहा मैं बोरी में डाल लेता हूँ एक तो एप्पल, मुझे पसंद है एप्पल। कह रहे लेकिन सर्दियां बहुत है, एप्पल खा के बोर हो जाऊंगा, थोड़ा नमकीन भी होना चाहिए, चलो मैं थोड़ा सा काजू डाल लेता हूँ, कैशू भी डाल लें। ठीक है, इसने कहा ये तो ठीक है, लेकिन अब मैं पढ़ने के लिए ट्यूशन जा रहा हूँ, अगर ऑफलाइन मैडम मिल गई तो मैडम बोलेगी ना मेरे को काजू पसंद ना एप्पल पसंद, मेरे लिए क्या लाया, तो ये मेरे लिए थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डाल देता है, क्योंकि मुझे ना स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये मेरे लिए थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी भी डाल देता है, ताकि मैं इसको कोसू ना कि तू मेरे लिए कुछ मिला है। ठीक है, तो सैक में इसने क्या क्या डाला, कैशू एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। क्लियर? यो यो मैम, यो मैम, ये बना लिया, ये बना लो भाई, ये तो शक्ल ही बनेगी, दो आंसू और एक स्माइल। हर्ष की वजह से हमें याद होगा क्या कि फॉल्स फ्रूट कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट सीधा नीट में आता है, दैट इज हम याद करेंगे उसको सैक से, सैक माने बोरी। तो एस से स्ट्रॉबेरी, ए से एप्पल एंड सी से कैशू। ठीक है, याद हो जाएगा। लिख लो, फॉल्स फ्रूट का सीधा एग्जाम्पल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉल्स फ्रूट। दुनिया जहान के तुम्हारी एक्स्ट्रा बुक्स में होंगे, लेकिन एनसीईआरटी याद रख लेना। कुछ भी एग्जाम्पल करो, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ो, कभी मत भूलना कि पहले एनसीईआरटी पढ़नी है फिर एक्स्ट्रा पढ़ना है, अदरवाइज एक्स्ट्रा पढ़ने का फायदा नहीं होगा। ओके, चलिए आइए। अब एक प्रोसेस होता है जिसे अपन कहते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है जी, एपोमिक्सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब इसका क्या मतलब है कि हम बनाते थे ओव्यूल अपना, ऐसे बनाते थे ओव्यूल, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं ओव्यूल, उसके अंदर हम सारे के सारे सेल्स बनाते थे ना, इफ यू रिमेम्बर, ऐसे होता था कि नहीं? ये मैं। ये, फिर इसके अंदर क्या होता था, फर्टिलाइजेशन होती थी, गैमेट आता था, और फिर उसके बाद इसमें क्या बनना स्टार्ट हो जाता, सीड फॉर्मेशन पढ़ते थे हम लोग अल्टीमेटली, राइट। अब ये तो नॉर्मल प्रोसेस था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग क्या हुई कि कोई गैमेट आया ही नहीं, यानी कि कोई गैमेट नहीं आया, मतलब कोई पॉलिनेशन नहीं हुई, सो नो पॉलिनेशन, कोई पॉलिनेशन हुई नहीं। ठीक है, नो गैमेट अराइव, कोई गैमेट आया ही नहीं, और जब कोई गैमेट आया ही नहीं तो क्या फर्टिलाइजेशन हुई होगी? नो फर्टिलाइजेशन। तो बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना इन सब के भी सीड की फॉर्मेशन हो गई, इन सबके बिना भी सीड बन सकता है, बनता है प्लांट में, तो इन बिना, इनके बिना भी सीड की फॉर्मेशन होगी, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस, कि मिक्सिंग होगी कुछ। सो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस, एंड एक एग्जांपल है ब्लैकबेरी। क्वेश्चन आता है एग्जांपल से, एपोमिक्सिस इज शोन इज एप्पल, कैशू, ब्लैकबेरी या फिर स्ट्रॉबेरी। तो हमने एप्पल कैशू भी पढ़े हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो फॉल्स फ्रूट में पढ़े थे, एपोमिक्सिस हमने ब्लैकबेरी में पढ़ी है। ओके, बताओ भाई ब्लैकबेरी देखी किसी ने? यो मैम, बताओ फिर हिंदी में क्या बोलते हो तुम उसे? क्या बोलते हिंदी में? मैम पता नहीं, तुम शहतूत हो। शहतूत? भाभी में पिछली क्लास में काफी काफी लंबी लड़ाई होके आई है, एक ने कहा शहतूत, एक ने कहा शतूत, एक ने कहा तूत, और एक ने पता नहीं क्या बोला, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। तो शतूत ही है ना ये? ये रेड वाले बहुत मीठे होते हैं, वो ब्लैक वाले शतूत इज बेसिकली हमारे ब्लैकबेरी, राइट। तो एपोमिक्सिस याद रह जाएगा अब इससे, शतूत तो हम खाते रहते हैं, पेड़ों पे लगते हैं मस्त, राइट। यो मैम, अब देखो कितनी खुश हो गई, कितनी खुश हो गई, कौन थी ये? इतनी खुश होगी, हाँ मैंने अभी खाया है। यार तुम लोग अंगूठा क्यों नहीं लगाते हो, ये नहीं समझ आता मुझे।
प्रॉब्लम क्या तुम्हें? इतना पढ़ाया लिखाया क्यों है? अरे यहाँ नहीं, ग्रुप में जब मैं तुमको वो प्रेजेंटेशन भेजती हूँ, इतना तुम्हें पढ़ाया लिखाया क्यों था ताकि तुम अंगूठा लगा सको? ये देखो, अरे यहाँ पर नहीं भाई, अब पागल हो गए तुम? मैं कह रही हूँ जब ग्रुप में प्रेजेंट अंगूठा लगा दे दो, तुम्हें पता चल जाए कि तुमने देख लिया है या क्लास का नोटिफिकेशन देख लिया। ये मेरा है बेचारा, क्या बनाया मैंने? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही सेल्स पड़े हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं? न्यू सेल्स के अंदर एक सेल किस में चेंज हो जाएगा? जो आगे जाके एमएमसी फुल फॉर्म चला मेगास्पोर मदर सेल। प्लॉइडी क्या होगी इसकी? 2n। तो इसने क्या किया, मेगास्पोर मदर सेल ने बड़ी ही चालाकी से क्या कर दिया, स्किप कर दी मियोसिस। इसने स्किप कर दी मियोसिस, मियोसिस हो रही थी ना इसमें, इसने स्किप कर दी मियोसिस, और मियोसिस करने की जगह इसने बताया गया खुद को डेवलप कर लिया, और डेवलप करके इसने क्या बना दिया, हमारा पूरा एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक बनाया, जिसने अल्टीमेटली क्या बना दिया, सीड। ठीक है जी, सीड भी तो 2n ही होता है, तो मेगास्पोर मदर सेल भी 2n है और सीड भी 2n है, क्योंकि बीच में मियोसिस नहीं हुई। तो दिस इज, देखो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड फॉर्मेशन हो गई ना। एपोमिक्सिस ऐसे भी होती है, और एक और तरीका होता है एपोमिक्सिस का, ये समझ आया सबको? समझ आया? नो बोला या यू बोला? अच्छा, दूसरा एक और तरीका है, तुमको याद है कि अगर एम्ब्रियो सैक है, मान गया एम्ब्रियो सैक है, लेकिन तुम्हें याद है इसके आसपास भी थोड़े से न्यू सेल्स के सेल बचते हैं? तो न्यू सेल्स के सेल्स क्या करते हैं, न्यू सेल्स के सेल क्या करते हैं, एम्ब्रियो सैक में थोड़ा सा एंटर कर जाते हैं, घुस जाते हैं। ठीक है, इनको लग जाता है भलेगा, न्यू सेल्स के सेल जब ऐसे घुसते हैं तो साथ वाले सेल को लग जाता है भलेगा कि यहाँ तो फर्टिलाइजेशन हो गई है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल होगा उसको ऐसे लगेगा ना कि यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हो गई है, राइट? मैं इस राइट को समझाती हूँ, यहाँ पे अच्छा यहाँ नहीं बना हुआ, ओहो अभी हटा दिया मैंने, सॉरी, तो मैं ये बनाती हूँ। तो यहाँ पे जब हमारा एम्ब्रियो सेक बन गया था, ये रहा, तो जब न्यूसेलस के सेल अंदर की तरफ आने लग जाते हैं तो उसको लग जाता है भलेखा कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई है, लेकिन फर्टिलाइजेशन होती नहीं है, तो हमारा जो एम्ब्रियो सेक है वो किस में चेंज हो जाता है, सीड में, सीड में, लेकिन फर्टिलाइजेशन यहाँ भी नहीं हुई, तो न्यूसेलस के सेल ने भलेखा सा डाल दिया, तो यहाँ पे न्यूसेलस की वजह से हुई, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। ठीक है, इनसे रिलेटेड टर्म्स मैं तुमको क्वेश्चन के साथ कराऊंगी, अभी इसका स्क्रीन शॉट ले लेना, ओके? अब आओ, अब एक टर्म होते हैं जिसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोन। देखो पॉली का मतलब मैनी, एम्ब्रियो का मतलब, व्हाट इज एन एम्ब्रियो? ग्रुप ऑफ सेल्स ही होता है एक एम्ब्रियो, जिसमें सेम प्लॉइडी होती है, सबकी प्लॉइडी 2n होगी, ऐसी होगा? अब देखो ये क्या कह रहा है, एक ओव्यूल है, ये मेरा एक ओव्यूल है, इस एक ओव्यूल के अंदर तुम मल्टीपल एम्ब्रियो बना लो। एम्ब्रियो किसकी फॉर्मेशन से बनते हैं? जायगोट। जायगोट किससे बनता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसके बीच में होती है? मेल एंड फीमेल गैमेट। एग एंड स्पर्म के बीच में होती है ना? तो इसका स्टिग्मा भी ना एक से ज्यादा पोलन ग्रेन रिसीव कर लेता है, तो तुम एक से ज्यादा एग लगा लो, एग्जामिनी, तो जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगी तो इस एक ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल कितना है, एक, तो इस एक ओव्यूल के अंदर तुम्हें कितने सारे एम्ब्रियो बनते हुए दिखाई दे जाएंगे? सारे, बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे। ये तो
तो जब एक एक, एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एग बन एम्ब्रियो बन जाते हैं, दिस इज अ एम्ब्रियोस, बहुत बड़े एम्ब्रियोस होंगे ना, पूरी पिक्चर नहीं आएगी यहाँ पे. तो जब मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाए विद इन वन ओव्यूल, उसको कहते हैं हम पॉली एम्ब्रियोनी. ओके, तो ये भी कैसे हो सकता है, व्हेन न्यूसेलस एंटर द एम्ब्रियो सेल कैन फॉर्म मल्टीपल एम्ब्रियो. ये ऐसे भी हो जाते हैं कि न्यूसेलस के सेल्स, ये जो हम ओव्यूल्स कह रहे हैं ना, तो जो हम एग कह रहे हैं, बहुत सारे न्यूसेलस के सेल अंदर आके एग की तरह काम भी करने लग जाते हैं. कंफ्यूज मत हो, तुमको इतना समझ आया पॉली एम्ब्रियोनी? यही होल्ड करो, इसको यही होल्ड करो. अब मुझे एक बात बताओ, तुमने एक वर्ड सुना था पार्थिनोजेनेसिस, क्या था? चैट में लिख लिख. अच्छा सात्विक, सारे अंगूठे तुमने ही भेज दिए हैं? ओके, फर्टिलाइजेशन विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट. अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन. हाँ, आजकल की डेफिनेशन ज्यादा अच्छी है बेटा. फर्टिलाइजेशन का मतलब ही फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है सात्विक, तो मैं ये कैसे लिख सकती हूँ फर्टिलाइजेशन होगी गैमेट के फ्यूज हुए बिना? उसका तो मतलब ही यही है. ये लाइन गलत है. आंचल ने सी लिखा है फॉर्मेशन ऑफ ए जायगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन. जायगोट बना बिना फर्टिलाइजेशन के. फ्रूट विदाउट सीड, मैंने पार्थिनोजेनेसिस पूछा है, पार्थिनोकार्पी नहीं पूछा है. क्वेश्चन ध्यान से देख इंशिका, श्रुति. हाँ हर्ष, तुम्हारी बात भी सही है, वेरी गुड अनमोल. प्रवीण, क्वेश्चन मैंने पूछा पार्थिनोजेनेसिस. नियति, क्वेश्चन गलत. फीमेल गेमिट फॉर्म नहीं बंशिका, बिल्कुल गलत. हाँ ईशियानी सही है. शगुन गलत. प्रक्षित भी सही है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सब बहुत गलत लिख रहे हैं, ये मेरे को पिछले लेक्चर में पता चला. तो लिख लो भाई, पार्थिनोजेनेसिस है क्या? फॉर्मेशन ऑफ ए जायगोट विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. बिना फर्टिलाइजेशन के जायगोट की फॉर्मेशन होगी, उसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस. पहले तो डेफिनेशन लिखो. पार्थिनोजेनेसिस बोला, कार्पी नहीं बोला. कार्पी तुम क्रॉप से याद करोगे कि प्लांट में बात हुई थी. पार्थिनोजेनेसिस हमने किस में बात करी थी? एग्जांपल क्या है इसके? हम ड्रोन्स, बीज, हनी बीज में जो ड्रोन्स बनते हैं, और रिप्टाइल्स, और सारे नहीं होते, थोड़े होते हैं वो, रोटिफर्स. मैं कभी तक मैंने लगाई नहीं अटेंडेंस. ठीक है जी, तो पार्थिनोजेनेसिस लिख लिया. जिसने लेना था. ओके, नाउ सो मैं ये मिटाना चाहती हूँ, दिस इज कंफ्यूजन. राइट, चलो नाउ. पार्थिनोजेनेसिस था वो, पार्थिनोकार्पी इज अ डिफरेंट थिंग. पार्थिनोकार्पी तुम क्रॉप से याद करोगे, प्लांट में होता है कि फ्रूट बन जाएगा विदाउट सीड फॉर्मेशन. हम हमेशा यही पढ़ते हैं ना कि ओव्यूल सीड में चेंज हुआ, फिर उसके बाद जब सीड बन जाता है उसके बाद बाहर वाला स्ट्रक्चर जो ओवरी है वो फ्रूट बना देती है, ऐसे पढ़ते हम. लेकिन इस केस में क्या हुआ यार, फ्रूट तो बन गया लेकिन सीड नहीं बना. ठीक है, और सीड नहीं बना क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं. यानी कि यहाँ पर हुआ क्या, नॉर्मली जो ओवरी थी उसने फ्रूट में चेंज कर लिया खुद को, लेकिन अंदर जो उसके ओव्यूल था उसमें कभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, वो कभी सीड में चेंज नहीं हुआ. तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी. ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सिंपल भाषा में बोले तो सीडलेस फ्रूट. जिन फ्रूट्स में सीड नहीं होते उनमें पार्थिनोकार्पी होती है. बेस्ट एग्जांपल है बनाना. बनाना में सीड नहीं होते ना, सही बात है. तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बताओ भाई इसका आंसर. अगर बनाना में सीड नहीं होते तो ये क्या है?
सोचने वाली बात है ना वैसे देखा जाए तो, कि हुआ क्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और मुझे कल सर्च करके बताना। इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी बनाना के बारे में। सबको लगता है ना सीडलेस है, लेकिन इसमें एक ट्रिक है जो किसी को पता नहीं है अभी, मतलब तुम्हें नहीं पता। ओके स्क्रीनशॉट लिया इसका, ये मैम होमवर्क है तुम्हारा। चलो जी अब कुछ जो एग्जांपल है ये कर लो, इससे सीधा नीट का क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर का, सीधा सीधा बहुत सिंपल है ये। कुछ सीड्स है, जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसके बीच के टाइम को क्या बोलते हैं, कि सीड की स्टेट में डॉर्मेंसी। कुछ सीड्स हमें ऐसे मिले हैं जो बहुत सालों से डॉर्मेंट है, बहुत सालों से डॉर्मेंसी की स्टेट में है। तो उसका एक एग्जाम्पल है ल्यूपिनस आर्कटिकस। ल्यूपिनस आर्कटिकस, आर्कटिकस से याद रखोगे तुम, आर्कटिक टुंड्रा में मिलता है जहाँ पे बहुत ज्यादा होती है ठंड। तो यहाँ पे ठंड में हमें एक ऐसा सीड मिला है जो 10,000 सालों से डॉर्मेंसी में है, ठीक है। तो ल्यूपिनस आर्कटिकस, अभी तुमने देखा है कभी प्लांट? नो मैम। हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसा होता है ना हमें उसे एक बार देख लेना चाहिए, हमें याद रह जाता है। ये सीड दिख रहा है तुमको? लेकिन इस तरीके का कुछ सीड मिलता है तो तुमको याद रह जाएगा कि ल्यूपिनस आर्टिकस 10,000 साल पुराना जो सीड मिला है डॉर्मेंसी में, वो आर्कटिक टुंड्रा में ठंडी में मिला है, कुछ ऐसा दिखता है। क्लियर? यस मैम। वो ईयर लिख देते हैं, प्लांट का नाम पूछ लेते हैं, प्लांट का नाम अंडरलाइन होगा, प्लांट का नाम पूछ लेते हैं, ईयर लिख देते हैं और साथ में वो पूछ लेते हैं कहाँ डिस्कवर हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, या यहाँ से आ सकता है, ठीक है। मैम इसका कॉमन नेम बता दें एक बार। कॉमन नेम मुझे भी नहीं पता, कॉमन नेम तो याद नहीं है। कॉमन नेम आर्कटिक लुपिन, क्या लिख दूं? लुपिन। लेकिन क्या नाम है सात्विक? क्वेश्चन आर्कटिक लुपिन से नहीं आएगा, ल्यूपिनस आर्कटिकस से ही आएगा, ठीक है? ओके मैम। तो तू याद करना चाहता है कर ले, वो तेरी चॉइस है, बट ल्यूपिनस का नाम याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। ओके मैम। ठीक है, नाइस। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, अब इसका जो सीड है वो हमें डेड सी के पास मिला है। भाई डेड सी क्या होता है? सॉल्ट वाटर लेक, सॉल्ट क्वांटिटी है जहाँ पे सॉल्ट क्वांटिटी है। पहली क्लासेस से बताइए, बहुत सारे बच्चों को मुझे पिक्चर दिखा के पूछना पड़ा यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें। नाइस, तो डेड सी के पास ये वाला सीड मिला हमें, क्या नाम है उसका? फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। फिनिक्स, फिनिक्स है, ओ साइलेंट होता है। एक बात बताओ, एनसीईआरटी पढ़ी नहीं? सच बताना। ये हो गया मैम। क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष। हर्ष के अलावा किसी ने पढ़ी थी? सच बताना। यस मैम। मैम पढ़ मिला था तुम? हम याद नहीं हो रहे। चल देखी थी किसी की सर्च करके? नो मैम। नो मैम। इसका सीड देख के किसी का सीड याद आ रहा है? तुमने ऐसा कुछ खाया? यो यो मैम। डेट्स के। यो मैम। डेट्स के। और एक और चीज है, मुझे याद नहीं आ रहा पर मेरे को देख के थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है वो ऐसे ड्राई फ्रूट है आई थिंक। हाँ डेट तो प्राइस होगा, इसके अलावा भी कुछ है जो मुझे याद नहीं आ रहा। यस मैम, वो ही कह रहा हूँ, वो भी एक ड्राई फ्रूट ही है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। यस मैम, मुझे भी नहीं याद आ रहा यार, पर यार खट्टा सा होता है, ड्राई फ्रूट नहीं है यार वो, तो खट्टा था, गली में मिलता था जब मैं छोटी थी। डेट्स की फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये, मुझे याद नहीं आ रहा, पर वहां पे मेरे को याद है छोटे होते मिलता था, नवा डाल के खाते होते थे यार, अब मुझे याद नहीं है। चलो फिनिक्स को याद है ना, 2,000 साल पुराना है, डेड सी के पास मिलता है, ठीक है, इसका सीड मिला है मतलब डिस्कवर हुआ है, ऐसा नहीं है डेड सी के पास मिलता ही होगा। तो इन दो पे क्वेश्चन आ रखे हैं इनके नाम पे अलग अलग ईयर्स में, तो याद रखना
ओके मैम सीधा सीधा था, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट बात तो नहीं थी आई गेस, कि बहुत डिफिकल्ट था कुछ, नो मैम ऐसा कुछ नो बहुत मैम डिफिकल्ट नहीं था। इसका जो दिक्कत था वो नाम में था। तो बेटा जब नाम में दिक्कत होती है ना, तो क्या करते होते हैं हम लोग, जब हमें नाम में दिक्कत होती है तो हम उसको याद करने के या तो निमोनिक लगाते हैं, या फिर हम उस नाम की पिक्चर देख लेते हैं और उस पिक्चर से कुछ याद रख लेते हैं। जैसे डेड सी, डेड सी की पिक्चर देखने के बाद जल्दी से दिमाग से जाएगा नहीं वो। तो फिनिक्स, फिनिक्स किसी ने हैरी पॉटर देखी? नो मैम पहले तो तुम पिक्चर ही देखो। कौन मैम मैम तो आज हाफ देखी है, सी हाफ देखी है जो आपने बोली हाफ से बात, हैरी पॉटर हाफ कौन देखा भी? मैम, फिर टाइम ही मिला अब तो वो भी याद नहीं है। नहीं है अभी भी बेचारा बच्चा हमारा। ओ यार मैं तो मैम भैया बोर्ड्स के यार टाइम देखी थी, 10th के बोर्ड्स के टाइम। संडे भी आता है बच्चे, संडे को देखने आता है। अच्छा हैरी पॉटर में फिनिक्स नाम का एक बर्ड होता है, तो फिनिक्स बहुत बहुत ही बड़ा नया भी पंछी होता है। तो फिनिक्स डेड सी के ऊपर से मैम जा ये रहा है, कौन तो से वो पार्ट में आता है? फिनिक्स यस मैम प्रिजनर ऑफ द आइस्कबैन। कैप्टन वोल्डेमॉर्ट उसके सर में घुस रहा होता है, वो वाला होता है। ओके मैम नाम नहीं याद है, नाम नहीं याद है, थोड़ी देर में बताती हूँ, आ जाएगा अभी, क्लिक कर देगा अभी। मेरे दिमाग में आइस्कबैन चल रही है, तो मैं मन कर रहा है देखने का एक्चुअली। देखूंगी आज। एनीवेज कहाँ ले गए तू मुझे, मैं तुम्हें मैंने कैसे याद किया था, मैं ये बताने की कोशिश कर रही। तो मैं कह रही थी कि तुम भी अपनी इमेजिनेशन से याद कर लो। देखो मेरी इमेजिनेशन मेरी लाइफ के अकॉर्डिंग चलेगी ना, तो मेरे दिमाग में हैरी पॉटर का एग्जाम्पल आ रहा है, तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हारी लाइफ के अकॉर्डिंग चलेगी, तुम कुछ और कर लो, तारक मेहता का एग्जाम्पल लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, याद करने से मतलब है। तो मेरे को ऐसे याद है कि फिनिक्स बहुत ही नया भी बर्ड होता है, उसके अंदर चेम्बर ऑफ सीक्रेट में आता है ये फिनिक्स, सेकंड पार्ट है इसका। तो वो ओके बहुत मैम ही आलीशान बर्ड होता है, तो वो उड़ के जा रहा है और नीचे डेड सी है, तो वो व्यू कितना अच्छा होगा ना। तो मुझे ऐसे याद है कि डेड सी के पास फिनिक्स वाला प्लांट है, मुझे इस तरीके से याद है। देखो मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे नहीं ऐसे याद होते नाम, तो मुझे बहुत ही बुरे याद होते हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे इस क्लास में 2-3 बच्चों के नाम याद हुए हैं, तो नेमिंग मेरी खराब है, तो मैं हमेशा इमेजिनेशन से याद करती हूँ। तो मैं तुम्हें वही सजेस्ट करूंगी, बाकी तुम्हारे पास का तरीका तो बहुत बढ़िया बात है ना। ये मैम चलो ये मैम एनजीआरटी करा दूं? यह मैम यस मैम तो हम थे यहाँ पहुंचे थे, पिस्टल, मेगास्पोरेंजिया एंड एम्ब्रोसैक। बेटा पिस्टल महिला की बात हो रही है या पुरुष की? महिला महिला है। और मेगा को इसको इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अच्छा फीमेल की बात हो रही है, महिला की नहीं हो रही है? सेम मैम अच्छा महिला वंशिका, क्या हुआ वंशिका, हाथ क्यों खड़े करे तूने, ताली चाहिए ले। नो मैम तो मेरे हाथ खड़े करके क्यों खड़ी है, तुमको सजा मिली है? अरे आज पता क्या हुआ, आज क्रैश कोर्स वालों की लास्ट क्लास थी, खत्म हो गया उनकी क्लासेस, पेपर है संडे को उनका। तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं तो क्या हुआ, मैं भी तुमसे पूछती हूँ ना स्कूल का, जैसे मुझे बहुत कुछ पता चलता है तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ जान के। तुम भी मेरी बात सुनो, आज मेरी जिंदगी में क्या हुआ, मैम ठीक है? क्या आपको बुरा लगा कि वो दोबारा क्या बोलेगी ये बच्ची, क्या बोलना चाहती है जल्दी बताओ मुझे। मैम कुछ समझ नहीं आया मैम वो ऐसे बोल रही कि लास्ट क्लास में आपको कैसा लगा? वो बड़ा ओवरवेलमिंग लगा। हम लोग सितंबर से बैचेस स्टार्ट थे उनके, और उसमें से कुछ बच्चे थे जो बैचेस मर्ज जो कि दिसंबर में मिले थे मुझे, तो बहुत बड़ी क्लास थी वो, तो बहुत नॉस्टैल्जिक और इमोशनल सा लग रहा है। हम पढ़ रहे थे ना, तो हम प्रेजेंटेशन से रिवाइज कर रहे थे, और एग्जाम्पल में उन्हीं के नाम लिखे हुए थे कि अनीश ने ये किया, हेमराज ने, क्योंकि निमोनिक्स उन्हीं के नाम से बनाए थे क्लास में। क्या होता है अभी मैं तुम्हें ढंग से जानती नहीं, थोड़े थोड़े हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर तुम्हारे नाम से बनाएंगे हम, ये कबूतर बिल्लिया सब तुम ही होंगे एग्जाम्पल, तो उनके नाम से पढ़ रहे थे ना, तो थोड़ा वैसा लग रहा था यार लास्ट क्लास है। तो फिर मैंने भगाए बच्चे, जा नहीं रहे थे, फिर हम लोग बैठे थोड़ी देर, फिर मैंने उनको बोला जल्दी चले जाओ नहीं तो निकाल दूंगी, फिर धमका के भगाया। तो थोड़ा सा बुरा लगा कि हमारी क्लासेस खत्म होगी, पर अच्छी बात है, देखो कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है ना, यहाँ से निकलेंगे तभी तो लाइफ में कहीं पहुंचेंगे, राइट? है ना, मेरा मैम पर्सनल डायलॉग नहीं है, मैंने चुराया है पिक्चर से। कौन सी पिक्चर है ये, फिर से बोलना पता नहीं, डायलॉग। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से तो निकलना पड़ता है,
हीरो नंबर वन हीरो नंबर वन हीरो नंबर वन तुम कौन सी लैंग्वेज की मूवी है? हिंदी में बोल रही हूँ हिंदी मैम मैंने गलत बोला उन्हें बहुत गलत बोला गोविंदा भाई ना सो मूवी किस एक्टर की वो बता दो अरे यार रणबीर कपूर का डायलॉग है ये जवानी है दीवानी कौन सी मूवी ये जवानी है दीवानी यस मैम इसमें ये वो डायलॉग का साइलेंस चाहूंगी वही अपने थोड़ा इजी डायलॉग देना था ना बहुत ही वो हो गया बहुत ही ज्यादा गहरी बात थी कि कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता ना लायक इतनी अच्छी बात बोली है मैंने तुझे इजी डायलॉग मैं मूवी देखी नहीं ना एक्चुअली हमारा बच्चा पिक्चर कम देखता है तू यार होमवर्क में पिक्चर लिया कर मुझसे हर मैं देखता हूं पर ये वाली नहीं देखी हुई अच्छा और ये जो पीछे कह रही है पिक्चर देखी है मैंने मेरे को डायलॉग नहीं मिला ये वही बची है जो जब जैसे डायलॉग आया होगा ना पॉपकॉर्न लेने चली गई होगी या मम्मी ने बोला होगा झाड़ू मार वही है नो मैम एक तो ये पता नहीं क्या बोल रही है पीछे यही जानती है हमें तो नहीं पता अब उन्हें आपसे बोल रही है कलर बताओ जल्दी बातें कर रहे हो मुझसे मैम ग्रीन ग्रीन वन टू थ्री कौन सा टू तुम हमेशा टू ही कर रही हो तो डांट क्यों टू वो सुंदर है तो ठीक है पर डांट क्यों रही मुझे क्यों डांट रही है भाई शीतल अपने आप से बातें करती रहे चल निकल द गायनोशियम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर गायनी से हमें याद है ना फीमेल की बात हो रही है अरे ये खड़ी रहे द गायनोशियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टल अगर एक पिस्टल है तो मोनो कैपिलरी ये हमने नोट्स में बहुत अच्छे से किया है यहाँ पे जाहिल तरीके से दिया में है मोर देन वन पिस्टल एक से ज्यादा पिस्टल है तो मल्टी कैपिलरी अब एक से ज्यादा पिस्टल हो तो फ्यूज भी हो सकती है और अकेली भी हो सकती है जब फ्यूज थी तो वर्ड था सिनकार्पस और जब अकेली अकेली थी तो वर्ड क्या था देखो स्टिग्मा सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रीन जब नीट में स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आएगा ना तब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है इसे अंडरलाइन करो कि स्टिग्मा पे आके हमारे पोलन ग्रीन गिरते हैं और किसी पे नहीं गिरे The style is elongated cylinder part beneath the stigma. ध्यान से सुनना इसने क्या बोला है स्टाइल कहाँ पर है ये अगर ये हमारा है स्टिग्मा तो स्टिग्मा के नीचे है ना ये स्टाइल नीचे है ना यो मैम तो इसके लिए इसने वर्ड यूज करा बिनेथ ठीक है इतनी छोटी सी लाइन वर्ड है ना ये लेकिन ये वर्ड हमारे चार नंबर खा जाएगा पापी कैसे वो पता क्या लिखेगा पूरी लाइन नीट वाले एक डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो पूरी लाइन सेम लिखते हैं एनसीईआरटी की ताकि तुमको लगे तुमने पढ़ी है लेकिन तुम फिर भूल जाओ ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ तो स्टाइल इज ए इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट अबव द स्टिग्मा वो अबव कर देंगे बिनत की जगह वहां पे जिंदगी खराब हो जाएंगी तो तुम अंडरलाइन कर लो इस वर्ड को ठीक है एनसीईआरटी में की हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है ना बड़े ध्यान से तुमने मुझे बोल दिया ना खुद पढ़ लोगे अब ध्यान से पढ़ लेना तो स्टाइल इज इलोंगेट हो गया The basal bulge part of the pistil is ovary. ये हमारी ovary, जिसने fruit बनाना भैया. Ovary के अंदर एक cavity होती है. इस cavity को अप्पा बुलाते हैं locule, right? और locule के अंदर ही हमें मिलता है हमारा प्यारा प्यारा placenta. याद है placenta? बहुत बढ़िया बात है तुम्हें तो याद है चीजें. चलो नीचे आते हैं. बेटे diagram याद है क्लास में करवाया था. यो मैम. क्लास में कराया था तूफान. यार यार इतना स्लो क्यों चल रहा है पिछली क्लास में तो एक बीच में ये चैप्टर डाउनलोड कर रहे हैं पूरी बुक की करी है ये चैप्टर क्या चैप्टर वाइज कर रहे हैं मैम अगर पूरी बुक होती फिर होता है लोड होने में प्रॉब्लम है ना इसको समझा समझ नहीं आ रहा तुझे हेलो लिनोवो पूरी बुक नहीं है एक चैप्टर है बावले लोड कर सुन लिया साथियों को इसने यस मैम पिछली बारी क्लास में इसने इतना टाइम लिया कि मुझे बच्चों को 10 मिनट बोलना पड़ा मुझे जोक सुनाओ तब टाइम पास हुआ हमारा बताओ ये देखिए अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल तो बेटा ओव्यूल को कॉमनली हम प्लेसेंट मेगास्पोरेंजिया बुलाते हैं इसे कॉमन भाषा में हम बुलाते भी है कोई इसे हम तो नहीं बुलाते
लेकिन ये कह रहा है कॉमनली मेगास्पोरेंजिया को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल, और ये किससे अराइज होता है, प्लेसेंटा से। इस पे हमने ध्यान नहीं दिया था, तो इस पे ध्यान दे देना कि प्लेसेंटा से ही फ्यूनिकल निकला है और उसके ऊपर ओव्यूल लगा है, तो ओव्यूल आया प्लेसेंटा से ही है। क्लियर है सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती है इसने छोटी सी। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी वन और मे बी मोर। देखो कोई भी ओवरी है यानी कि फ्रूट है, फ्रूट के अंदर एक बीज भी हो सकता है और बहुत सारे बीज भी हो सकते हैं, सही बात है। ओव्यूल ने बनाना मेरे सीड, ओवरी ने बनाना मेरा फ्रूट। ये कह रहा है कुछ फ्रूट है जिसमें सिर्फ एक ही बीज होता है, तो जिनमें एक ही बीज होता है वो कौन से होते हैं? मैंगो, एक ही गुटली होती है। पैडी किसको कहते हैं? धान। क्या मैम? धान। अच्छा एक बात, क्या वहां से बोल के चंडीगढ़ आवाज भेजेगी क्या? इतना जोर से क्यों बोलती है धान? हाँ भाई मैम आदत पड़ गई, बच्चे सुनते नहीं है क्लास में ना, और फिर उनको इतनी जोर से बोलना पड़ता है। किसके बच्चे? हमारी क्लास के बच्चे मैम, मैं क्लास की सीआर हूँ। तो क्लास की सीआर है तो बच्चों पे चीखती है मैम? डंडे भी मारती हूँ। डंडे भी मारती है? तुम ही तरीके के बच्चे मुझे पसंद नहीं थे स्कूल में। यस मैम। और वीट ठीक है मैम, मैं सातवीं को मतलब यस मैम, मैं एक तो जबरदस्ती बनाए गया हूँ और ऊपर से इसलिए मेरे को मजबूरी में, इसलिए मुझे डंडे मारने पड़ते हैं मजबूरी में। देखो मुझे जबरदस्ती बनाया है। सारा सारा जुल्म बच्चे पकड़ते हैं, मेरे को कह रहे बच्चों को बोलना पड़ता है, मैं सोच आ रही है। देखो वीट, पैडी और मैंगो है जिसमें एक सीड है, मैंगो का तो तुम भूल नहीं सकते ठीक है। अब जो वीट रोज खाते हो ना उसके में भी एक ही सीड होता है, और पैडी धान में भी होता है, तुम्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट इज जिसमें बहुत सारे सीड होते हैं, पपीते में तो देखे ही होंगे बहुत से सीड है, तरबूज में भी देखे होंगे, ऑर्किड्स में तुमने देखे नहीं होंगे लेकिन उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं ठीक है। ऑर्किड्स दरअसल जनरली किसी को गुलदस्ते के फॉर्म में दिया जाता है, ऑर्नामेंटल है ना। तुम्हें तुमने तो क्या दिया होगा और तुम्हें क्या मिला होगा है ना। एक भी बच्चे ने यो यो नहीं बोला, कह रहे अंडर एस्टिमेट मत करो, आपसे ज्यादा मिले है ना, ऐसे ही। नो मैम। हाँ आपने बोल दिया कि एक बार रिपीट करना। ये देख बहुत पिटेगा तू मुझसे। बेटा फ्रूट है ना नींबू, है ना नींबू में कितने सारे बीज होते हैं। यस मैम। है ना, तो अगर ये सिट्रस होता तो मैं मेनी में डाल देती थी। कह रहा है ऐसे भी ओवरीज हैं जिनके अंदर बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, तो अगर एक ओवरी में एक ओव्यूल, एक ओवरी एक ओव्यूल, ये बेटा चार नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? वीट, पेडी एंड मैंगो, है ना। मैंगो बोलती हर्ष खुश हो गया, खुश हो गया था। और ऐसा ऐसा वाला केस जहां पर एक ओवरी में सात्विक बहुत सारे ओव्यूल है, मतलब बहुत सारे सीड है ना, तो वो होगा हमारा पपाया, वाटरमेलन, वाटरमेलन एंड ऑर्किड। ओके यस मैम, थैंक यू मैम। नो आइए अब नीचे, एग्जांपल से क्वेश्चन है, ये चार नंबर क्वेश्चन है, ये इग्नोर मत कर जाना इसको, चार नंबर खा जाएगा तुम्हारे। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के बारे में जानते हैं, ये कह रहा है मैं तुमको और पकाता हूँ, तुम पक्के आए हो, मैं तुम्हें और पागल करूंगा। तो ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, ओव्यूल छोटू सा स्ट्रक्चर है, किसकी बात कर रहा है? इस गोलू की बात कर रहा है ठीक है जी। ये कह रहा है जो ओव्यूल है ना छोटू सा स्ट्रक्चर है वैसे तो, लेकिन ये अटैच होता है प्लेसेंटा से, ये प्लेसेंटा से अटैच है। किसके थ्रू अटैच होता है? फ्यूनिकल के थ्रू ठीक है। ये नीट का क्वेश्चन आ चुका है, सेम लाइन, चार नंबर का क्वेश्चन है ये। और एक और चार नंबर का क्वेश्चन दिखाती हूँ, इसी के नीचे लिखा है कि ओव्यूल और प्लेसेंटा, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में जो ओपनिंग है जहाँ पे ये मिल रहे हैं एक दूसरे से, इसे हम क्या बुलाते थे? हाइलम है ना, दरवाजा, एक तरह से दरवाजे जैसा है ना ये, तो खोलेंगे तुम हेलो बोलोगे। तो व्हाट इज अ हाइलम? हाइलम यहाँ है, इट इज अ एरिया वेयर ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल, क्योंकि अलग से दरवाजा तो बना नहीं हुआ, तो ओव्यूल और फ्यूनिकल एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। तो हाइलम का एक तो ये लाइन है, दूसरी लाइन क्या बनती है हाइलम में? दैट हाइलम, अरे यार कहाँ गया गुलाबो, ये रही गुलाबी रंग, दैट हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो ये नीट की लाइन आई थी। ओके उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नाउ ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव लेयर, तो ओव्यूल को ठंड लगती थी तो उसने किसके कोट पहने हुए थे? इंटेग्यूमेंट। और जब ओव्यूल सीड में चेंज होता है तो इंटेग्यूमेंट किसमें चेंज हो जाते हैं? सीड कोट। सीड कोट
जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोवाइलेट. वही लिखा है यहाँ पे. इंटेग्यूमेंट जो सेल्स को कवर करते हैं एक्सेप्ट द टिप ऑफ अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड, जो हमें सीड में भी बिनती है. तो एक्सेप्शन जहाँ वर्ड आता है ना उसका मतलब है ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं 99.9% कि आपके दांतों में से जर्म्स मार देगा 99.9%. लेकिन फिर भी कीड़ा लग गया तो हमें मत बोलना. वैसे अगर क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे मत बोलना, आ सकता है. क्लियर? यो मैम. यो मैम. और एक बार हमें गांठ मार रखी हमने अपने जीवन में कि भाई जहां पर माइक्रोपाइलर एंड है उसकी लड़ाई हमेशा चलती है किससे? है ना, सवाल क्यों पूछते मुझे, मैं नहीं जवाब देना. तो ऑपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड इज चलाजल. अब जो बात मैंने तुम्हें बताई नहीं थी, जो नीट वाले ने पूछ ली थी, वो ये था. इसलिए मैंने बोला था मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी कि अगर ये मेरा एंड है माइक्रोपाइलर और ये मेरा एंड है चलाजल, तो चलाजल इज एक्चुअली नथिंग बट द ओव्यूल का बेस. जैसे पानी का कप है ना, तो ये अगर माइक्रोपाइलर एंड है, तो मुझे डायरेक्शन नहीं समझ आती, ये माइक्रोपाइलर एंड है, तो ये जो इसका बेस है ना वो ये चलाजल है. तो जो बेसल पार्ट है दैट इज चलाजल. तो माइक्रोपाइलर को बेस मत लिखा था, समझे? ये जो है ना ये कंबक आती है, चार नंबर क्वेश्चन था, ये काफी बच्चों के नंबर खा गया था. इसलिए एनसीईआरटी की लाइन ना स्पेशली किसी पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन होती है ना उसको ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि ना बंदा पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते थक जाता है, आखिरी तक हिम्मत जवाब दे जाती है और आखिरी में अच्छी लाइन लिखी होती है. उसको ध्यान से पढ़ा करो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा. नाउ इनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट अंदर छुपा हुआ है मास ऑफ सेल्स. इन सेल्स को क्या बुलाते हैं? न्यू सेल्स. प्लॉइडी क्या होगी? न्यू सेल्स. 2n 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 सेल्स ऑफ न्यू सेल्स के पास अबंडेंट फूड रिजर्वियर है. तो ये न्यू सेल्स को एक्सप्लेन कर रहा है. जब भी किसी चीज को एक्सप्लेन करता है मैं नोट बना लेती हूँ साइड में. न्यू सेल्स क्या होता है? ये मास ऑफ सेल्स. ये तुम्हें अभी लग रहा है ना टाइम वेस्ट है, ये बहुत काम आएगा. 2n प्लॉइडी होती है इनकी, और ये है इनके पास बहुत होता है रिजर्व फूड. तो ये अपनी कॉपी में बना लो, ये बहुत काम आएंगे पेपर से पहले. Located in the new cellus is the embryo sac or female gametophyte. We location पूछ सकते हैं. बेटा new cellus में ही कोई cell modify होके megaspore mother cell बनाएगा ना? ये मैम. वही megaspore mother cell बनके आगे embryo बनाएगा. ऐसी होता है ना embryo sac या female gametophyte. तो हम location बोल सकते हैं कि embryo sac जिसको हम female gametophyte भी बोलते हैं, ये कहाँ पर होता है? New cellus के अंदर होता है. ये question बनता है. Okay? ये मैम. और ये कह रहे हैं जनरली हम देखते हैं कि एक एम्ब्रियो सैक होता है एक ओव्यूल के अंदर. जनरली तो हम ये देखते हैं ना. यो यो मैम. यो यो मैम. आओ मेगा स्पोरोजेनेसिस कर दे, पढ़ा दूं थोड़ी सी. यो यो मैम. नहीं हो पाएगी, लेकिन इसकी डेफिनेशन तुम्हारे स्कूल में आएगी. माइक्रो और मेगा कंफ्यूज करेगा, तो मेगा को हाफ अंडरलाइन कर लो अपनी नॉलेज के लिए. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस. ये ले दिया इसने. खैर पहली डेफिनेशन ले लो, दिमाग मत खाना मेरा. क्या कहना चाहता है वो? क्या वो ये रहा है कि न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें से एक सेल ने डिसाइड किया कि मैं अब बोलूंगा अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल, और मैं अपने अंदर कर दूंगी मियोसिस वन एंड मियोसिस टू. तो उसके बाद मैं बना दूंगी चार सेल्स जिनको मैं बोलूंगी मेगास्पोर टेट्राड या मेगास्पोर्स. ये चारों सेल्स बन जाएंगे. इस प्रोसेस को मैं मेगास्पोरोजेनेसिस बोलती हूँ. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. ओव्यूल जर्नली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल. तो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल किस जगह पे मिलेगा तुम्हें? लोकेशन क्या होगी इसकी? माइक्रोपाइलर. हाँ, इन द माइक्रोपाइलर रीजन. ये है नीट का क्वेश्चन, यहाँ से आया था. ओके, अगर तुमने पीवाईक्यूज लगाए हैं तो तुमको ये क्वेश्चन दिख गए होंगे. इन्हीं लाइन से क्वेश्चन निकाल के आए थे अगर तुमने पीवाईक्यू लगाए हैं. अगर नहीं लगाए हैं तो फिर तो जय माता दी है ना जिंदगी. देखो अब ये पिक्चर मैं यहाँ से समझा सकती हूँ तुम्हें. ध्यान से देखना, न्यू सेल्स दिख रहा है तुमको साइड में? ये माइक्रोपाइलर एंड है. माइक्रोपाइलर एंड के पास तुमको सेल दिख रहा है, इसने एक ही सेल बनाया. दिस इज अ मेगास्पोर मदर सेल 2n वाला. इसके साथ में 2n लिख ले, तेरा बहुत काम आएगा. ठीक है, तो इस सेल में क्या होगी? मियोसिस. तो पहले मैं लिखती हूँ मियोसिस 1. तो एक सेल से दो सेल बन गए, दिख रहे तुझे 1 एंड 2 सेल. इसे मैं बोलूंगी मेगास्पोर टेट्रा डायड. डायड मतलब 2. फिर इन दोनों में मियोसिस होगी, दैट वुड बी मियोसिस 2. कितने सेल बन जाएंगे? 4. इन चारों सेल में से कितने सेल डीजेनरेट हो जाएंगे?
ये डीजेनरेट हो गए और एक सेल है जो आगे जाके हमारा एम्ब्रियोसाइट बनाएगा राइट ये सेल तुम्हें किस तरफ दिखाई दे रहा है कौन से रीजन ध्यान से देखा कर जब मैं डायग्राम देख के पूछ रही हूँ ना तो डायग्राम देख के आंसर क्या कर ये रहा माइक्रो पायलट ये रहा चलाजल तो चलाजल के पास मिलेगा तुझे वो सेल जिसने आगे जाके माइटोसिस करके एम्ब्रियोसाइट बनाना है ठीक है तो मेगास्पोर मदर सेल माइक्रो पायलट की तरफ दूसरा चलाजल की तरफ व्हाट इट बहुत पिटेगी तू मुझसे चलो कहाँ गया थ्योरी कहाँ गई हमारी ये रहा ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यू सेल्स मैं यहीं तक करा पाऊंगी अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं तुम्हारी अटेंडेंस लेना भूल गई हूँ क्षमा चाहेंगे हम और तुम तो एनसीईआरटी खुद पढ़ लोगे अन्ना तुम मेरा मजा आएगी आइए क्या दिनांक है आज पांच पांच हम पांच आइए जी गुंजन जी 2023 अच्छा अच्छा गुंजन जी आए हो नहीं आए हैं मुस्कान प्रेजेंट मैम दूसरी मुस्कान नहीं आई है पल्लवी यस मैम रोहिना मन्ना प्रकृति शैलजा प्रेजेंट मैम हर्ष प्रेजेंट मैम भूमिका यस मैम जिसकी अटेंडेंस होगी वो जा सकता है वंशिका यस मैम गुड नाइट स्वाति प्राशर प्रेजेंट मैम महक अन्या यस मैम रीति प्रेजेंट मैम अगुन प्रेजेंट मैम रितिका आयुषी प्रेजेंट मैम अंशी प्रेजेंट मैम अंशिका प्रेजेंट मैम बैटरी लो है भाई सिमरन प्रेजेंट मैम अक्षिता यस मैम सिमरन किस गुफाओं में बैठी हो आवाज घूम रही आंचल प्रेजेंट मैम महक यस मैम हिमानी अच्छा हिमानी यस मैम दीक्षित मानसी दीक्षित वाज इन क्लास मानसी सारिका यस मैम प्रीति प्रेजेंट मैम आयुष मैम शगुन गटोच वरुण यस मैम अनमोल यस मैम सात्विक यस मैम साहिल यस मैम नेहा प्रेजेंट मैम महक शीतल राव प्रेजेंट मैम अलग कौंडल रितिका यस मैम अल्पना जागृति यस मैम काजल आत्री यस मैम मोहिनी यस मैम तानवी यस मैम साक्षी यस मैम श्रुति प्रेजेंट मैम सोनिया यस मैम वंशिका यस मैम नैन्सी प्रेजेंट मैम संध्या रितिका प्रेजेंट मैम पूर्व प्रेजेंट मैम आशीष प्रेजेंट मैम शानी यस मैम नियति अजय यस मैम पंचिका शालिनी अंजलि बबीता यस मैम साक्षी पीयूष यस मैम पीयूष यस आशिया आशिया ठीक है भाई अब बताओ भाई कौन कौन बच्चा रह गया तो परेशान है प्रकृति नंबर बता सेवन अरे भाई तू तो बहुत ही दूर रहती है सेवन का है तेरा नंबर टेन है महक ट्वेंटी इज कृतिका मैम नंबर सिक्सटीन प्रेजेंट है कौन सा नंबर
मैम डबल फाइव डबल फाइव पचपन नहीं बोल सकती थी. अच्छा नैन्सी ओके और कोई मैम अल्पना भी आई थी पर उसको मैम फोन नंबर से नेटवर्क इशू की वजह से कट होगी जल्दी. अच्छा अल्पना हाँ अल्पना ओके और कोई नहीं है मैम नियति नियति नंबर मैम 61 एनीवन एल्स मैम भूमिका ठाकुर. भूमिका ठाकुर कहाँ पर है मैम गुड नाइट मैम गुड नाइट भूमिका ठाकुर कहाँ है हमारी 13 और कोई नोवन चलो जी जाइए थैंक यू मैम गुड नाइट मैम गुड नाइट थैंक यू क्वेश्चंस कर